नमस्कार दोस्तों, कुलदीप क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम एमपीपीएससी की पेपर टू की यूनिट फोर डिस्कस कर रहे हैं और इसी संबंध में हमने कौटिल्य जी को जाना, महात्मा गांधी जी को जाना और आज की हमारी क्लास का विषय है जवाहरलाल नेहरू जी और उनके राजनीतिक विचार। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले जवाहरलाल नेहरू जी की कुछ बेसिक डिटेल्स जान लेते हैं कि उनका जन्म 1889 में हुआ। उनका जो जन्म दिनांक है 14 नवंबर, इसको हम चिल्ड्रन डे, बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। उनकी मृत्यु 1964 में हुई। जो उनकी मृत्यु के स्मृति में जो स्थान दिल्ली में बना हुआ है उसको शांतिवन के रूप में जाना जाता है। उनको भारत रत्न 1955 में दिया गया और जैसा कि हम जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके द्वारा जो योगदान दिया गया वो मानवतावादी, धर्मनिरपेक्षतावादी, सामाजिक लोकतंत्रवादी, इन सभी दृष्टिकोणों के जो राजनीतिक विचारों के संबंध में जवाहरलाल नेहरू जी ने ये विचार दिए वो हम सभी जानते हैं। उनके द्वारा जो लेखन कार्य किया गया उसमें हम देखें तो लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा अपनी बेटी इंदिरा गांधी जी को लिखे गए। ग्लिम्स ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री 1943 में उनके द्वारा पुस्तक लिखी गई। एन ऑटोबायोग्राफी खुद की उन्होंने आत्मकथा भी लिखी। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट द डिस्कवरी ऑफ इंडिया 1940 में जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लिखी गई। इस पुस्तक को आप ध्यान रखिए, किसी भी एग्जाम में ये पूछा ही जा सकता है। ये भी पूछा सकता है कि इसके लेखक कौन है। द यूनिटी ऑफ इंडिया ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पुस्तक है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया को हम देखते हैं तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया में ही कौटिल्य जी को, जो भारतीय राजनीतिक विचारक हैं, कौटिल्य जी को भारत का मैकियावेली कहा गया। जिस प्रकार जो योगदान मैकियावेली का पश्चिमी पाश्चात्य दर्शन में है, उसी प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी बताते हैं कि जो कौटिल्य जी का योगदान है भारत के एकीकरण, भारत के निर्माण, अखंड भारत के निर्माण में और भारतीय दर्शन में, वो कौटिल्य जी का योगदान को मैकियावेली के योगदान से कंपेयर करते हुए भारत का मैकियावेली की संज्ञा देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो हम जवाहरलाल नेहरू जी की जो मूल रूप से विज्ञान के बाद हम देखेंगे कि धर्म पर क्या विचार हैं जवाहरलाल नेहरू जी के। उसके बाद हम देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता पर जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या विचार दिए। तो इन बिंदुओं को हम देखते हैं कि विज्ञान पर क्या विचार है, विज्ञान के बारे में क्या सोचते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। तो विज्ञान की महत्वता को बताते हुए जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि विज्ञान जीवन का सार है, इसके बिना आधुनिक जीवन में जीवित रहना कठिन है। जैसा कि हम वर्तमान में भी देखते हैं कि विज्ञान आज हमारी डे टू डे लाइफ में बहुत डोमिनेंट करता है। मनुष्य में वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विकास के महत्व को जवाहरलाल नेहरू जी बताते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास मानव जीवन में अच्छे जीवन की संभावना को बढ़ाता है और साथ ही विश्व में जो संघर्ष हैं उनसे छुटकारा दे सकता है। हम देखते हैं आतंकवाद वर्तमान में कितनी बड़ी समस्या है, अवैज्ञानिकता, लोगों को ही, इंसानों को ही मार रहा है, मुस्लिम को मार रहा है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव है। चरमपंथ जानवर प्रवृत्ति लोगों में बढ़ती जा रही है और वैज्ञानिक दृष्टिकोण घटता जा रहा है। रैशनैलिटी, जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि साइंटिफिक टेम्परामेंट अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रत्येक व्यक्ति में विकसित करने की बात करते हैं, वकालत करते हैं कि लोगों को रैशनल तरीके से साइंटिफिक टेम्परामेंट का अपने अंदर विकास करना चाहिए और उसी के अनुकूल अपने व्यवहार में साइंटिफिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को उतारना चाहिए ताकि जो विश्व में संघर्ष है, समस्याएं हैं, उनसे छुटकारा पाया जा सके। अब धर्म के संबंध में जवाहरलाल नेहरू जी के विचार जानते हैं, विज्ञान के संबंध में जाना, अब धर्म के संबंध में क्या दें। तो जवाहरलाल नेहरू जी मूल रूप से कहते हैं कि वो धर्म को राजनीति से पृथक करने के पक्ष लेते हैं। उनका मानना है कि धर्म को राजनीति से अलग रखा जाना चाहिए। राजनीति, जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि राजनीति सार्वजनिक कार्यों से जुड़ा हुआ काम है। हम जानते हैं कि राजनीति में लोगों की सेवा करने के लिए सार्वजनिक कार्य के मकसद से जुड़ते हैं, जबकि धर्म एक व्यक्तिगत कार्य है, एक व्यक्तिगत विश्वास प्रणाली है। इस वजह से जवाहरलाल नेहरू जी धर्म के पृथक्करण के समर्थन करते हैं, लेकिन वहीं धर्म की महत्वता को भी बताते हैं। धर्म का अंधा
धर्म की अंधी आलोचना भी नहीं करते। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि धर्म जीवन में लक्ष्यों को ऊपर उठाता है, नैतिकता को बढ़ावा देता है, बंधुत्व को बढ़ावा देता है, समानता को बढ़ावा देता है, परोपकार सरोकार को बढ़ावा देता है और लोगों में एकता को बढ़ावा देता है, बंधुत्व को बढ़ावा देता है। धर्म की महत्वता को भी बताया गया जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। अब हम डिस्कस करते हैं कि धर्म निपृष्टता, धर्म की महत्वता और धर्म को राजनीति से अलग करने के विचार जवाहरलाल नेहरू जी के हमने जाने। अब धर्मनिरपेक्षता के बारे में क्या विचार है जवाहरलाल नेहरू जी के, तो हम पाते हैं कि जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि धर्मनिरपेक्षता एक ऐसी स्थिति है जो सभी के विश्वासों, अलग अलग धर्मों की विश्वास प्रणाली अलग अलग है, तो धर्मनिरपेक्षता सभी के विश्वासों को समान रूप से सम्मान देता है। बोले तो धर्मनिरपेक्षता किसी भी व्यक्ति को उसकी उपासना की पद्धति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, इसकी गारंटी देता है धर्मनिरपेक्षता। नेहरू जी धर्मनिरपेक्षतावादी थे, इसलिए वो हिंदू संप्रदायवाद मुस्लिम संप्रदायवाद दोनों का ही विरोध करते हैं। इसी संबंध में जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि हम एक सांप्रदायिकता से दूसरी सांप्रदायिकता को खत्म नहीं कर सकते। वर्तमान में ये विवाद का बिंदु रहता है कि मुस्लिम सांप्रदायिकता, मुस्लिम बाहुल इलाकों में मुस्लिम सांप्रदायिकता, कई बार देखने को मिलता है कि हिंदू सांप्रदायिकता भी उग्र रूप ले लेती है, कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा हिंदू सांप्रदायिकता या फिर मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाता है। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि हम एक सांप्रदायिकता से दूसरी सांप्रदायिकता को खत्म नहीं कर सकते। एक सांप्रदायिकता को खत्म करनी है तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना होगा। अभी हमने धर्मनिरपेक्षता के संबंध में और डिस्कस करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की जो क्या विचार रहे। तो जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि देश धर्म में जैसे कि कोई अत्याचारी प्रवृत्ति है, कोई गलत प्रवृत्ति है, जैसे कि हम देखते हैं कि छुआछूत, और वर्तमान में देखा हमने 3 तलाक जो कि अत्याचारी प्रवृत्ति, धर्म की अत्याचारी प्रवृत्ति को दिखाता है। तो जवाहरलाल नेहरू जी की धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत बताते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की देश जो धार्मिक अत्याचार करने वाली, जो धार्मिक विरोध करने वाली हैं, उनको धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध स्थापित कर सकता है देश। बोले तो देश धर्म की जो गलत नीतियां हैं, छुआछूत है, 3 तलाक है, इन सभी को हटाने के लिए निषेधात्मक संबंध भी बना सकता है देश धर्म के साथ। जबकि गांधी जी के सर्वधर्म संभाव में यह संभव नहीं है। पश्चिम की धर्मनिरपेक्षता की सोच में, धर्मनिरपेक्षता की जो फिलॉसफी है, उसमें भी निषेधात्मक संबंध की आलोचना की जाती है, निषेधात्मक संबंध स्थापित नहीं किया जाता। लेकिन भारत के संदर्भ में जवाहरलाल नेहरू जी के जो धर्मनिरपेक्षता के संबंधित विचार हैं, वो कहते हैं कि धर्म के साथ निषेधात्मक संबंध भी स्थापित किए जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर राष्ट्र देश अल्पसंख्यकों को अपनी खुद की शिक्षण संस्थाएं खोलने और चलाने के अधिकार भी देता है और उनको सहायता भी करेगा। हम देखते हैं कि आर्टिकल भारतीय संविधान में आर्टिकल अनुच्छेद 29 और 30 और 350 का आर्टिकल 29-30 में अपनी स्वयं की संस्थाएं खोलने अल्पसंख्यकों को सरकार सहायता भी कर सकती है। 350 का बोले तो माइनॉरिटीज को अपनी प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में करने का अधिकार, मातृभाषा में करने की छूट और प्रोत्साहन देता है भारतीय संविधान। धर्मनिरपेक्षता के महत्व को जवाहरलाल नेहरू जी बताते हैं कि धर्मनिरपेक्षता इतनी जरूरी है, राज्य के लिए इतनी जरूरी है, क्योंकि ये धर्म के हर पहलू को सम्मान प्रदान करे। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि राज्य के लिए जरूरी नहीं है कि धर्म के हर पहलू को एक जैसा सम्मान प्रदान करे। भारत की धर्मनिरपेक्षता के अंतर्गत देश धर्म के अलग अलग पहलुओं को अलग अलग तरीके से हैंडल करेगा, समान एक जैसा सम्मान प्रदान करे ये बाध्यता नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी के वैज्ञानिक दृष्टिकोण के बारे में देखें, विज्ञान के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी के क्या विचार रहे। उसके बाद हमने देखा कि धर्मनिरपेक्षता, इन पर हमने जवाहरलाल नेहरू जी के विचारों को जाना। अब हम जानते हैं कि वैज्ञानिक मानवतावाद अर्थात कि
वैज्ञानिकता को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को मानवता में, मानवता के साथ जोड़कर किस प्रकार जवाहरलाल नेहरू जी ने एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, वैज्ञानिक मानवतावाद, अर्थात वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास मानव जीवन में अच्छे संभावना होने, विश्व संघर्ष से छुटकारा दे सकता है। हमने भी विज्ञान के संबंध में डिस्कस किया कि मानव में नैतिकता को बढ़ावा देगा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, समानुभूति, परानुभूति, सर्वधर्म संभाव इत्यादि विश्व संघर्ष से छुटकारा दे सकता है, क्योंकि जब एक दूसरे के धर्मों के प्रति सम्मान होगा, सद्भाव होगा, सौहार्द का माहौल होगा, तो विश्व संघर्ष से छुटकारा ऑटोमेटिक मिल जाएगा। देश के अंदर भी संघर्ष नहीं होगा, देश के बाहर भी संघर्ष नहीं होगा, और उनके द्वारा अपनी नैतिक चेतना के कारण व्यक्ति अपने कल्याण व सामुदायिक हितों के मध्य सामंजस्य स्थापित, इसको हटा दें, सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता रखता है। वैज्ञानिक मानवता की महत्व बताते हैं जवाहरलाल नेहरू जी कि यही है जो नैतिक चेतना को बढ़ावा देता है, जिसके कारण व्यक्ति कल्याण व सामुदायिक हितों के बीच अपने कल्याण, मतलब व्यक्ति वैज्ञानिक मानवता का प्रभाव के कारण व्यक्ति स्वयं का हित और सामुदायिक हित, मतलब सबका हित, वैज्ञानिक मानवता के कारण व्यक्ति स्वयं के हित और सबके हित के बीच सामंजस्य स्थापित कर पाता है। सामंजस्य, स्वयं के हित में और सबके हित में संघर्ष नहीं होना चाहिए। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मानव के व्यक्तित्व में जो अनिवार्य श्रेष्ठता है, उसमें आस्था बनाकर रखकर नवीन न्यायनिष्ठ व्यवस्था का निर्माण किया जा सकता है। वैज्ञानिक मानवतावाद, मतलब वैज्ञानिक मानवतावाद व्यक्ति में अनिवार्य श्रेष्ठता को बढ़ावा देता है, जो हर व्यक्ति के अंदर श्रेष्ठता है उसको बढ़ावा देता है, ताकि एक न्यायनिष्ठ व्यवस्था की स्थापना की जा सके, समतामूलक समाज की स्थापना की जा सके, न्यायपूर्ण समाज की स्थापना की जा सके। आगे देखते हैं तो जवाहरलाल नेहरू जी वैज्ञानिक मानवतावाद की, जो जवाहरलाल नेहरू जी का वैज्ञानिक मानवतावाद है उसको देखें हम कि वो किस प्रकार विकसित हुआ। जवाहरलाल नेहरू जी का वैज्ञानिक मानवतावाद तो यह दो महापुरुषों का, एक और हैं कार्ल मार्क्स जिन्होंने समाजवाद की थ्योरी दी, और एक और है महात्मा गांधी। तो जो जवाहरलाल नेहरू जी का समाजवाद है वो कार्ल मार्क्स के वैज्ञानिक आयाम और गांधी जी के आध्यात्मिक आयाम का सम्मिश्रण है। इन सभी बिंदुओं को आप एग्जाम में जरूर लिखिएगा, ये बहुत शब्दों पर ध्यान दीजिए। नेहरू जी का वैज्ञानिक मानवतावाद मार्क्स के वैज्ञानिक आयाम और गांधी जी के आध्यात्मिक आयाम का सम्मिश्रण है। अगर मानवतावाद और वैज्ञानिक भावना के बीच संश्लेषण के परिणाम स्वरूप वैज्ञानिक मानवतावाद का उद्भव हुआ है। जवाहरलाल नेहरू जी का मानवतावाद है जो, वो क्या है कि मानवतावाद और वैज्ञानिक भावना, जब मानवतावाद और वैज्ञानिक भावना, की भी जो कॉमन संश्लेषण हुआ, यही संश्लेषण जवाहरलाल नेहरू जी के विचारों का वैज्ञानिक मानवतावाद है। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि ईश्वर और धर्म में विश्वास रखने के बजाय नेहरू जी मानवतावाद की वकालत करते हैं, जिससे कि उन्होंने वैज्ञानिक मानवतावाद कहा है। आगे बढ़ते हैं क्रम में, हम देखें तो अब जवाहरलाल नेहरू जी की संस्कृति के संबंध में विचार, संस्कृति, कल्चर। तो जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं संस्कृति के संबंध में कि जो आदिकालीन प्रणालियां बोले तो, जैसे कि वैदिक सभ्यता में प्रचलित प्रणालियां, जैसे कि वर्ण व्यवस्था, इत्यादि। तो जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं जो आदिकालीन प्रणालियां हैं उनके साथ एकता के रूप में संस्कृति को अस्वीकार करते हैं, मतलब जो आदिकालीन प्रणालियां हैं, वर्ण व्यवस्था है या और भी चीजें हैं, सामाजिक बुराई के रूप में जाति व्यवस्था है, तो जवाहरलाल नेहरू जी इन प्रणालियों के साथ एकता के रूप में संस्कृति को स्वीकार करते हैं। बोले तो जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि जो वर्तमान की आधुनिक संस्कृति है वो वर्ण व्यवस्था आधारित, तो इस तरह की नेगेटिव भावनाओं से
जुड़ी हुई जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए, जबकि साथ में ही आलोचना कर रहे हैं कुछ आदिकालीन प्रवृत्तियों की, और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता से आधुनिक सभ्यता तक की भारत की जो सांस्कृतिक परिवर्तनों की यात्रा रही है, हड़प्पा से लेकर जो वर्तमान आधुनिक सभ्यता तक जो सांस्कृतिक परिवर्तनों की यात्रा रही है, उसके महत्व को भी स्वीकार करते हैं। हमने देखा, हम जानते हैं जब इतिहास को पढ़ते हैं कि किस प्रकार हड़प्पा सभ्यता हम जानते हैं कि किस प्रकार एक आधुनिकतम अपने समय की उन्नत सभ्यताओं में आती है। तो जवाहरलाल नेहरू जी इसी महत्व को स्वीकार करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता से लेकर जो आधुनिक सभ्यता तक हमारा सांस्कृतिक परिवर्तनों का दौर रहा है, उसके महत्व को स्वीकार करते हैं। साथ में प्रगतिवादी और नियतिवादी दोनों सिद्धांतों को भी जवाहरलाल नेहरू जी स्वीकार करते हैं। इसके साथ ही गीता के समर्पित निष्काम परमार्थवाद अर्थात कर्मण्येवा अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म कीजिए फल की चिंता मत कीजिए। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि हमको कर्म पर ध्यान लगाना चाहिए, अच्छे कर्म करना चाहिए, नैतिकता को बढ़ावा देना चाहिए। गीता के समर्पित निष्काम परमार्थवाद का प्रशंसा की जवाहरलाल नेहरू जी ने। सामाजिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक बहुलवाद, जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि सामाजिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक बहुलवाद से लोकतांत्रिक स्वतंत्रवाद को जो जवाहरलाल नेहरू जी ने मिलाया है, थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि जो लोकतांत्रिक स्वतंत्रतावाद है, जो लोकतांत्रिक स्वतंत्रतावाद है, उसको जवाहरलाल नेहरू जी ने सामाजिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक बहुलवाद, सांस्कृतिक सहिष्णुता बोले तो कि भिन्न भिन्न संस्कृति के लोगों की सांस्कृतिक पद्धतियों के प्रति सहिष्णुता का भाव रखना, और सांस्कृतिक बहुलवाद समाज में अलग अलग संस्कृति विचारधारा के लोग हैं और उन सभी को बहुलवादी एक प्लूरिस्टिक सोच के साथ सभी को बराबर महत्व प्रदान करना, इसी को गांधी जी ने जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा लोकतांत्रिक स्वतंत्रतावाद से मिलाया है। जवाहरलाल नेहरू जी ने राजनीति और सांस्कृतिक मूल्यों के रूप में धार्मिक रूप से धर्मनिरपेक्षतावादी हैं, ये अलग अलग हो गया है। राजनीतिक और सांस्कृतिक मूल्यों के रूप में जवाहरलाल नेहरू जी धर्मनिरपेक्षतावादी हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो राजनीति के संबंध में जवाहरलाल नेहरू जी के क्या विचार रहे, हमने जाना विज्ञान के संबंध में, धर्म के संबंध में जवाहरलाल नेहरू जी के क्या विचार रहे, धर्मनिरपेक्षता के संबंध में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण के संबंध में, वैज्ञानिक मानवतावाद के संबंध में। अब आते हैं जो राजनीतिक विचार क्या रहे, जो मूल कोर है जवाहरलाल नेहरू जी के राजनीतिक विचारों का, तो वह है लोकतांत्रिक पद्धति। लोकतांत्रिक पद्धति को सर्वोत्तम व्यवस्था माना जवाहरलाल नेहरू जी ने। उसके बाद देखें तो सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन किया, संसदीय विश्व व्यवस्था में विश्वास जाहिर किया अपना, और संविधानवाद और नागरिक अधिकारों पर बल दिया। राजनीतिक विचार चार पॉइंट, सीधे चार पॉइंट, लोकतांत्रिक पद्धति को समर्थन किया, सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन किया, संसदीय व्यवस्था में विश्वास जताया, संविधानवाद और नागरिक अधिकारों पर बल दिया। अब आगे बढ़ते हैं, व्यक्ति समाज और राज्य, राजनीति पर विचार जाने। अब आते हैं राजनीति के बाद किसके लिए राजनीति होगी, व्यक्ति समाज अब राज्य। तो जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि लोकतांत्रिक, अभी हमने देखा कि जवाहरलाल नेहरू जी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को सर्वोत्तम व्यवस्था माना, लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रबल समर्थक थे, लोकतंत्र को जवाहरलाल नेहरू जी एक बौद्धिक दशा मानते हैं, लोकतंत्र को जवाहरलाल नेहरू जी एक बौद्धिक दशा मानते हैं जिसमें स्वतंत्रता मनुष्य के लिए अभिन्न अंग है। लोकतंत्र के अंतर्गत जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वतंत्रता को मानव जीवन का अभिन्न अंग माना। मानव जीवन का अभिन्न अंग माना जवाहरलाल नेहरू जी ने। जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं कि राज्य, जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं राज्य मनुष्य के लिए आध्यात्मिक आवश्यकता है, स्पिरिचुअल नीड, जो उन खास दृढ़ विश्वासों को हटा सके जो धर्म द्वारा प्रोत्साहित किए जा सकते हैं। धर्म द्वारा प्रोत्साहित किए जा रहे हैं जो खास दृढ़ विश्वास, दृढ़ बोले तो जैसे कि तीन तलाक, बहुविवाह, चार चार शादियां, बहुविवाह,
छुआछूत, दहेज प्रथा। जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि राज्य मनुष्य के लिए आध्यात्मिक आवश्यकता है, क्योंकि राज्य के द्वारा ही हम इन गलत विश्वासों को हटा सकते हैं जो समाज धर्म द्वारा प्रोत्साहित किए जा रहे हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता के संबंध में हमने लोकतंत्र के संबंध में देखा कि किस प्रकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को सर्वोत्तम व्यवस्था माना। अब आते हैं व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समानता के ऊपर। तो जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि स्वतंत्रता और समानता के बीच अंतर संबंध है। हम स्वतंत्रता और समानता को अलग अलग तौर पर नहीं दे सकते, स्वतंत्रता और समानता दोनों को अलग अलग करके नहीं देख सकते, दोनों के बीच पूरकता का संबंध है। इसी संबंध में जवाहरलाल नेहरू जी ने 1947 में अपने निबंध भारत की एकता में, जो उन्होंने भारत की एकता शीर्षक से एक निबंध लिखा, उसमें जवाहरलाल नेहरू जी लिखते हैं कि समानता के बगैर स्वतंत्रता और लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है। समानता के बगैर लोकतंत्र और स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि समता विहीन स्वतंत्रता, समता विहीन स्वतंत्रता कुछ लोगों की ज्यादा लोगों पर, बहुसंख्यक लोगों पर, कुछ लोगों की बहुसंख्यक लोगों पर प्रभाव को जन्म देती है, शासन को जन्म देती है। मतलब समानता नहीं होगी, स्वतंत्रता होगी, तो इससे क्या होगा कि कुछ लोग बहुसंख्यक आबादी पर, समाज की बहुसंख्यक आबादी पर राज कर रहे होंगे। तो जवाहरलाल नेहरू इसी संबंध में क्या कहते हैं कि लोक समानता के बगैर स्वतंत्रता और लोकतंत्र का कोई अर्थ नहीं है, मीनिंगलेस हैं। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं मीनिंगलेस है इंडिपेंडेंस एंड डेमोक्रेसी जब तक समानता सुनिश्चित नहीं किया सके। वो वहीं हिंसा रहित स्वतंत्रता की भी वकालत करते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि स्वतंत्रता हमको मिलनी चाहिए, लेकिन उसमें हिंसा का स्थान नहीं होना चाहिए, साधन भी पवित्र होना चाहिए। स्वतंत्रता के महत्व को बताया जवाहरलाल नेहरू जी, अभी हमने देखा समानता के महत्व को बताया गया, लोकतंत्र के महत्व को बताया, साथ में अब जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं, स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध भी लगाने की बात कही। इतनी भी स्वतंत्रता नहीं होनी चाहिए कि वो देश के लिए खतरा बन जाए। इसी संबंध में अनुच्छेद 19A में देखें तो विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पर मीडिया को नहीं लिखा गया। मतलब मीडिया पर युक्तियुक्त प्रतिबंध है, मीडिया की स्वतंत्रता पर, जो आर्टिकल जो मूल देश के मूल नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं और जो केवल विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, तो उनमें देखते हैं 14, 15, 16, 19, 29, 30, ये पांच जो मूल अधिकार हैं ये विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 19A में देखें विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अगर विदेशी आदमी भारत में आकर हमारी ही आलोचना करेगा तो कितना देश की एकता अखंडता पर कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि स्वतंत्रता पर युक्तियुक्त प्रतिबंध लगाए जाने चाहिए, स्वतंत्र अधिकारों के साथ कर्तव्यों की पूरकता का संबंध होना चाहिए। हम देखते हैं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को भी जोड़ा गया, तो जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं कि अधिकार और कर्तव्य, इन दोनों के बीच पूरकता का संबंध है। हम ये नहीं कह सकते कि हमको अधिकार ही अधिकार मिलना चाहिए, हमारे कर्तव्य कोई नहीं है। जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि स्वतंत्र अधिकारों के साथ कर्तव्यों का पूरकता का संबंध है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के मूलभूत घटक जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि स्वतंत्रता है वो मनुष्य में सृजनात्मक भावना को बढ़ाती है। हम देखते हैं कि स्वतंत्रता विहीन समता क्या करती है, व्यक्तिगत पहलों को नष्ट करती है। स्वतंत्रता विहीन समता मतलब स्वतंत्रता है नहीं, समता को केवल प्रोत्साहित किया जाए तो क्या करेगा, व्यक्तिगत पहलों को नष्ट कर देगी। इसी संबंध में जवाहरलाल नेहरू कह रहे हैं
कि स्वतंत्रता मनुष्य में सृजनात्मक भावना को बढ़ाती है। जब हम स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं तो क्या होता है कि व्यक्ति में सृजनात्मक भावना बढ़ती है, इनोवेशन बढ़ते हैं। और आज हम देखते हैं कि स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, यही स्वतंत्रता, यही तो स्वतंत्रता देने की बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी। और वहीं दूसरी ओर जवाहरलाल नेहरू जी क्या कहते हैं कि जो समानता है वो सभी के लिए समान अवसर सृजित करती है। बोले तो स्वतंत्रता और समानता, समानता क्या कर रही है कि इनोवेशन को बढ़ावा दे रही है, सृजनात्मक भावना बढ़ रही है, सृजनात्मक भावना को बढ़ावा दे रही स्वतंत्रता। और समानता क्या कर रही है, समान अवसर सभी के लिए, समान अवसर। दोनों को जोड़कर देखें तो सृजनात्मक भावना को बढ़ा के समान अवसर सुनिश्चित करती है स्वतंत्रता और समानता। दोनों को जोड़कर देखिए, समानता और स्वतंत्रता को, जवाहरलाल नेहरू जी के जो विचार हैं, स्वतंत्रता और समानता को अगर जोड़कर देखें तो मनुष्य में एक और स्वतंत्रता सामाजिक भावना को बढ़ा रही है, और समानता सभी के लिए समान अवसर, सृजनात्मक भावना बढ़ रही है और समान अवसर सृजित हो रहे हैं। कितना जरूरी है स्वतंत्रता और समानता, दोनों की महत्वता को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा बताया गया। संसदीय लोकतंत्र पर जवाहरलाल नेहरू जी के विचारों को जाने तो संसदीय लोकतंत्र को जबरदस्त सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था बताया गया, क्योंकि संसदीय व्यवस्था ही एकमात्र ऐसी व्यवस्था है जो विभिन्न सामाजिक समूहों को समायोजित कर सकती है, एक लचीला तंत्र बनाती है जो विभिन्न सामाजिक समूहों को एक एक लचीला तंत्र, एक लचीले तंत्र में एकता के तौर पर बांधती है, एकनिष्ठ करती है, सभी में भ्रातृत्व की भावना को बढ़ावा देता है संसदीय लोकतंत्र। क्योंकि संसदीय लोकतंत्र के अंतर्गत सामाजिक समूह को व्यवस्था से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि आंदोलन का विकल्प होता है। अगर किसी के हित प्रभावित हो रहे हैं किसी भी दबाव समूह के, चाहे वो मजदूर हो, कामगार हो, SC हो, ST हो, महिलाएं हो, व्यवस्था से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आंदोलन का विकल्प तैयार है। आंदोलन कहेंगे, आंदोलन को सिंपल अर्थों में समझें, साइंटिफिक अर्थों में, तो एक प्रेशर कुकर के सेफ्टी वॉल्व के तौर पर काम करता है आंदोलन। आंदोलन को देखें तो सेफ्टी वॉल्व के तौर पर, जैसे कि कुकर में सीट में एक सेफ्टी वॉल्व लगा रहता है कि अगर ज्यादा प्रेशर बढ़ेगा तो वो सेफ्टी वॉल्व खुल जाएगा, कुकर फटेगा नहीं, नुकसान नहीं होगी, तंत्र को नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आंदोलन का विकल्प है, एक लचीला तंत्र है संसदीय लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र में क्या क्या होता है, कार्यपालिका के मंत्रिमंडलीय रूप का जवाहरलाल नेहरू ने समर्थन किया, मंत्रिमंडल रूप जो कि प्रेसिडेंशियल अर्थात अध्यक्षीय व्यवस्था में नहीं है। अध्यक्षीय व्यवस्था में क्या होता है कि राष्ट्रपति होता है, और मोटे तौर पर राष्ट्रपति ही अन्य अपने मंत्रिमंडल अन्य विशेषज्ञों को मनोनीत करता है, जैसे कि अमेरिका में राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, फिर वो किसी को भी अपने विशेषज्ञ, रक्षा मंत्री इत्यादि नियुक्त करता है। जबकि मंत्रिमंडलीय स्वरूप में जो मंत्रिमंडल का कार्यपालिका का मंत्रिमंडल स्वरूप है, जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि ये सर्वश्रेष्ठ है, इसी को लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि ये राज्य और समुदाय को भी सामोजित, जिसमें प्रत्येक राज्य को कार्यपालिका के मंत्रिमंडलीय रूप में क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू जी कि इसमें प्रत्येक राज्य और समुदाय को समायोजित किया जा सकता है आसानी से, जो कि राष्ट्रीय प्रणाली में संभव नहीं है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों में से एक है। कार्यपालिका के मंत्रिमंडल में क्या देखते हैं हम कि जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिमंडल के सदस्यों में से एक है, वो बस केवल एक बड़े भाई, बिग ब्रदर की भूमिका में है, बल्कि केवल बिग ब्रदर की भूमिका है, जबकि वो मंत्रिमंडल का अर्थात संसद का ही एक सदस्य मात्र है। तो जवाहरलाल नेहरू जी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के सदस्यों में से एक है, इसलिए सर्वसत्तावादी नहीं हो सकता, बल्कि लोकतांत्रिक होता है। संसदीय प्रणाली की विशेषता और भी है कि लोकतंत्र की संस्थाओं में संतुलन पर निर्भर करती है। लोकतंत्र की संस्थाएं बोले तो जैसे कि न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका, संसदीय प्रणाली, इन सभी के बीच आपस में संतुलन पर निर्भर करती है कि किस प्रकार इन सभी के बीच में संतुलन स्थापित होगा, एक इक्विलिब्रियम कंडीशन स्थापित होगी।
निर्वाचन संसदीय प्रणाली का मूलभूत आधार है। जवाहरलाल नेहरू जी बताते हैं कि निर्वाचन संसदीय प्रणाली का मूलभूत आधार है क्योंकि अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की सहभागिता संसदीय लोकतंत्र को मजबूत बनाती है। निर्वाचन इन सभी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों की सहभागिता को सुनिश्चित करता है। आज के वीडियो में हमने जाना जवाहरलाल नेहरू जी के विज्ञान के संबंध में क्या विचार रहे, धर्म के संबंध में विचारों को जाना, धर्मनिरपेक्षता के संबंध में विचारों को जाना, राज्य पर जाना, स्वतंत्रता समानता इत्यादि के महत्व को जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा किस प्रकार प्रतिपादित किया गया और बहुत सारे बिंदुओं को जाना। जवाहरलाल नेहरू जी से संबंधित टॉपिक अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हम एक वीडियो और बनाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो का आप तैयार रहें अगले वीडियो के लिए। अगर आपको ये वीडियो हमारी क्लास अच्छी लगी है तो हमारी क्लास को लाइक करें, हमारी यूट्यूब चैनल कुलदीप क्लासेस को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।